हाई एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी अगेन। सो आज एक बहुत ही स्पेशल सा मेकअप लुक लेके आई हूँ। अगर आप एक न्यूली वेड ब्राइड हो और इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ वेडिंग, आप ये लुक कैरी कर सकते हैं। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी इस टाइप के लुक में देखा होगा, इन सिल्क साड़ीज़ एंड कांजीवरम साड़ीज़। बहुत ही रॉयल एंड एलिगेंट लगता है, मेरा पर्सनल फेवरेट है ये लुक। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना सो दैट आपका कोई भी प्रोडक्ट डिटेल मिस ना हो। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन। ओके, स्टार्ट करेंगे CTM से। क्लेंजिंग मैं कर चुकी हूँ। टोनर के लिए आई एम यूजिंग रोज़ वाटर मिस्ट फ्रॉम रिकोड एंड बहुत अच्छा ब्रांड है। मोस्टली मेकअप आर्टिस्ट को ये ब्रांड आप यूज़ करते हुए देखते होंगे और इसका ये रोज़ वाटर मिस्ट तो मेरा फेवरेट है। नेक्स्ट जो मैं यूज़ करूँगी मॉइस्चराइज़र, बिकॉज मेरा स्किन टाइप ऑयली है, सो आई ऑलवेज यूज़ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र। आई मीन वाटर बेस्ड, जेल बेस्ड, जो बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइज़र होता है ऑयली स्किन टाइप के लिए, वो ही बेस्ट रहता है। ये जो प्रोडक्ट है ना, दिस इज़ अ हीरो प्रोडक्ट। मोस्टली मेरे वीडियोस में आप ये प्रोडक्ट यूज़ करते हुए देखते ही होंगे। दिस इज़ एल्फ हेलो ग्लो। एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो अगर आपको अपने मेकअप में देना है तो ये प्रोडक्ट तो आपके वैनिटी में होना ही चाहिए। शार्लेट टिलबरी का बहुत फेमस है हॉलीवुड फिल्टर, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड में है। अगर आपको थोड़ा सा बजट फ्रेंडली चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी नहीं बोलूँगी, मीडियम रेंज में अगर आपको चाहिए तो आप यू कैन गो विद एल्फ हेलो ग्लो। सो फॉर करेक्टिंग आई एम यूजिंग एले गर्ल का ये प्रो कंसीलर है इन द शेड वॉर्म हनी। ये आपके ऑलमोस्ट डार्क स्पॉट अनइवन स्किन को हाइड कर देता है और बहुत ही अच्छी कवरेज है इसकी, तो ये अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी अपने फेस पे। नेक्स्ट विल अप्लाई फाउंडेशन। तो फॉर दैट आई एम यूजिंग फॉरएवर 52 अल्ट्रा डेफिनेशन फाउंडेशन। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। अगर आप एक बजट फ्रेंडली फाउंडेशन ढूंढ रहे हो जो आपको फुल कवरेज भी दे, बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना करे आपके बेस को, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बजट फ्रेंडली भी है एंड कवरेज इसकी बहुत ही अमेजिंग है। एज़ यू कैन सी, मैं बहुत ही थिन लेयर अप्लाई कर रही हूँ। ऑलमोस्ट मेरे पूरे फेस को इसने अच्छे से कवर कर दिया है। बहुत ज़्यादा लेयरिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंगल लेयर में आपके फेस को पूरा अच्छे से ये इवन आउट कर देता है। वैसे तो ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है, बट मैं इसको समटाइम ऑयली स्किन पे भी यूज़ कर लेती हूँ और अच्छे से उसको लॉक कर देती हूँ, तो ये इधर उधर नहीं होता है, बहुत अच्छे से स्टे करता है। फाउंडेशन ब्रश जो मैं यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ फ्रॉम रियल टेक्निक एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फाउंडेशन ब्रश। मोस्टली मैं हर वीडियो में मेंशन करती ही हूँ। एंड नेक्स्ट इज़ कंसीलर। कंसीलर के लिए ये एल्फ का कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ। ये फुल कवरेज कंसीलर है, बहुत ही अमेजिंग है एंड अच्छे से मैं अपने हाई पॉइंट्स पे इसको अप्लाई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगानी है बिकॉज ये ऑलरेडी इतना हाई कवरेज देता है, आपको बहुत ही मिनिमल अमाउंट में यूज़ करना है। कंसीलर ब्लेंड करने के बाद मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। कॉन्टोर स्टिक इज़ फ्रॉम नायका, शेड है इसका 07 और अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। हमेशा अपने कॉन्टोर को आप अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करो जिससे कि आपका फेस लिफ्टेड दिखता है और बहुत ही अच्छा एक शार्प लुक आपके फेस को मिल जाता है। एंड आप चाहो तो इसको ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हो, और अगर आपको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो। तो अच्छे से मैंने अपने कॉन्टोर को ब्लेंड कर लिया एंड ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है ये प्रॉश ब्यूटी का है, बहुत अमेजिंग ब्लेंडर है। और अब बारी आती है ब्लश की। एंड ये जो लिपस्टिक है ना, ये मेरी एक पुरानी लिपस्टिक है जो मैं एज़ अ ब्लश बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मतलब कुछ कुछ लिप शेड्स होते हैं जो आपको एज अ लिप शेड पसंद नहीं है, तो आप उसको एज अ ब्लश यूज़ करो, एज एन क्रेम आई शेडो यूज़ कर सकते हो, तो बहुत ही अलग अलग तरीके से आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। रादर देन कि आप उसको फेंक दो, तो इट्स बेटर कि आप उसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। मैं आई शेडो की तरह भी यूज़ करती हूँ। मैं किसी दिन वीडियो में आपको दिखा दूँगी ट्यूटोरियल कि आप अपने लिपस्टिक को, लिप शेड्स को, लिक्विड लिपस्टिक्स को एज एन आई शेडो कैसे यूज़ कर सकते हो। अपने अंडर आई को सेट कर लेंगे। मैं यूज़ करूँगी के ब्यूटी का ये लूज पाउडर, शेड है इसका वेनिला। अब मैं करूँगी ब्राउज। तो ब्राउज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एट्यूड हाउस का ये ब्राउ पेंसिल, बहुत ही अमेजिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है। 6 मंथ्स तो हो गए हैं इसको मुझे,
और मैं डेली यूज़ करती हूँ, ऑलमोस्ट मतलब डेली नहीं फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ। मैं एक सबसे बेस्ट टेक्निक मैं बताती हूँ, पहले अपने हेयर को ना ऐसे नीचे की तरफ कॉम करना है, ठीक है। नाउ सी, अब आपको इजीली अपने जो ब्राउ के जितने भी गैप्स हैं ना वो आपको इजीली विजिबल हो जाएंगे। अब हमें इनको फिल करना है, सिर्फ एक यहाँ पे लाइन एंड देन फिल इट अप। अब हम करेंगे आई मेकअप। तो ये देखो मेरा थोड़ा सा फाउंडेशन बच गया था, तो मैं इसी से ही अपनी आईलेट प्रेप कर लेती हूँ। कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। हुडा की ये पैलेट से, एम्पावर्ड पैलेट से मैं अपना आई मेकअप कर रही हूँ, एंड बहुत अमेजिंग पैलेट है ये। इसमें जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि इसमें दो आपको जेल लाइनर्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने ये जेल लाइनर अप्लाई किया ब्राउन, एंड इसके ऊपर ये वाला शेड मैंने अप्लाई किया। सो विद द हेल्प ऑफ अ फ्लफी ब्रश, ये एक बहुत अच्छा ब्लेंडिंग ब्रश है जो कि है लंडन प्राइम से, एंड मैं अपने पूरे क्रीज पे अच्छे से इसको ब्लेंड कर दूंगी। ज़्यादा आगे तक हमें नहीं लेके जाना है, आउटर कॉर्नर से लेके मिडल लिड तक ही आपको ये शेड ब्लेंड करना है। एंड थोड़ा सा मैं इसको बाहर की तरफ भी ब्लेंड करूँगी एक स्ट्रेच्ड आई लुक देने के लिए। थोड़ा सा हुडेड आईज़ में हम अगर इस तरह से मेकअप करते हैं तो आईज़ थोड़ी सी बड़ी लगती है। अब मैं ये ब्लैक जेल लाइनर ले रही हूँ, इसमें से मैं इसको इंटेंस कर रही हूँ। और तो अपनी लाइनर को मैंने और थोड़ा सा इंटेंसीफाई किया है, थोड़ा और डार्क किया है सेम जेल लाइनर से जो इस पैलेट में है, एंड आप देख सकते हो अब बहुत ही सुंदर लग रहा है आई लुक। एंड इसको और अच्छे से मैं अपनी आईलिड पे एक शेप देते हुए ब्लेंड कर दूंगी। सी, ब्लेंडिंग इज़ द की। अगर आप ब्लेंडिंग अच्छे से कर रहे हो ना तो आपका मेकअप बहुत ही अमेजिंग निकल के आता है। एंड देन मैंने एक शिमर अप्लाई किया है इसी पैलेट में, एक शैम्पेन कलर का बहुत अमेजिंग शिमर है जो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने अपने आईलेट पे ऐसे अच्छे से अप्लाई कर दिया ब्लेंड करते हुए। एंड उसी के ऊपर मैं ब्राउन कलर के आई शेडो से उसको लॉक कर रही हूँ, एंड आउटर कॉर्नर को भी थोड़ा सा और इंटेंसीफाई कर रही हूँ। लोअर आई पे भी एक मीडियम ब्राउन कलर का शैडो मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया, एंड इनर कॉर्नर पे सेम शिमर मैंने अप्लाई कर दिया है। जो भी फॉल आउट होता है उसके लिए आप लोग एक लूज पाउडर ब्रश में, एंड देन बहुत ही लाइट हैंडेडली उसको डस्ट ऑफ करना। सी, सो मैंने अप्लाई किया है लमेल का ये ब्राउन काजल वॉटरलाइन पे। तो सेकेंड आई का मेकअप भी मेरा हो गया है, अब हम करेंगे बाकी का मेकअप। नेक्स्ट मैं अप्लाई करने वाली हूँ पाउडर ब्लश। तो पाउडर ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यूरोप गर्ल की ये पैलेट, लुक एट द शेड्स। तो यूरोप गर्ल की ये पैलेट है, शेड इसके सारे ही यूनिक है, लाइट है, डार्क है, हर स्किन टोन के लिए एक शेड दिया हुआ है इस पैलेट में। तो मैं जो लूँगी ये वाला शेड लूँगी और हल्का सा ये वाला शेड डस्ट ऑफ कर लेंगे। वैसे तो रिक्वायरमेंट नहीं है बट एक हल्का सा इसको बस लॉक करने के लिए हमें पाउडर ब्लश करना है। लिप्स के लिए मैं जो लिप कॉम्बो यूज करूंगी वो मैं करूंगी स्विस ब्यूटी का ये बुलेट लिपस्टिक एंड मार्स का ये लिप लाइनर इन द शेड 12 ब्राउन मुका, एंड इसका जो शेड है वो है कुकी क्रंच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने ये ग्लॉस लगाया था इसको हमें रिमूव करना है। थोड़ा थोड़ा इसको स्मच कर लो, हल्का स्मच करेंगे
सुंदर शेड है इसका, सी परफेक्ट ब्राउन न्यूड। तो गाइज मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ ये वाला शेड फ्रॉम मेबेलिन एंड द शेड इज 60 पोएट। सॉरी दिस इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया, तो अगर आपको कोई भी ऐसा सेलर मिले या फिर मुझे मिलेगा तो आई डेफिनेटली टेल यू। बहुत ब्यूटीफुल शेड है, एक्सट्रीम न्यूड शेड है ये। तो अगर आपको अपने लिप्स को एक प्लम्ब लुक देना है तो इस स्टेप को आप ध्यान से देखो। कोई भी लाइटेस्ट शेड ले लो लिपस्टिक का एंड जो नॉर्मल आपने लिपस्टिक लगाई है उसके ऊपर ऐसे डैप डैप करके आप अच्छे से अप्लाई कर लो एंड अपने लिप्स को आप दोबारा से डिफाइन कर लो विद एनी, मतलब जो भी आपने लिप लाइनर यूज़ किया है उस शेड का, या तो कोई आप लिपस्टिक ले लो या सेम लिप लाइनर से भी आप डिफाइन कर सकते हो। एंड नाउ सी द डिफरेंस। सो नाउ इट्स टाइम फॉर हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए आई एम यूजिंग होजो। सो ये वाला हाइलाइटर आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा एंड अच्छे से मैं अपने हाई पॉइंट्स पे अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही सटल सा है ये हाइलाइटर, आई रियली लव दिस कलर एंड बहुत ज़्यादा चंकी भी नहीं है, बहुत नेचुरल सा एक ग्लो देता है आपके फेस पे। जब आपका पूरा मेकअप हो जाए हल्का सा जो डैम्प आपका ब्लेंडर है बस हल्का सा वो डैप कर लो, उससे क्या होगा कि जो भी आपका एक्सेस प्रोडक्ट होगा फेस पे वो हट जाएगा और आपका बेस फ्लॉलेस हो जाएगा। सो दिस इज द ट्रिक, जो भी एक्सेस पाउडर होता है, ब्लश होता है, जो भी एक्सेस प्रोडक्ट जो आपका पाउडरी पाउडरी दिखता है तो वो आपका बैलेंस्ड आउट हो जाएगा। तो मेकअप को कर लेंगे सेट। फॉर दैट आई एम यूजिंग NYX का ड्यूई फिनिश सेटिंग स्प्रे। तो मेकअप हमारा हो गया है कंप्लीट, मैं थोड़ा आउटफिट अपना कंप्लीट करके आती हूँ, आई विल जस्ट राइट बैक। सो हियर इज द कंप्लीट लुक एंड आई एम इन लव विद दिस लुक। मतलब मुझे इतना सुंदर लग रहा है ये लुक, आई कांट टेल यू। इस टाइप के लुक मुझे बहुत पसंद है यार, ये सेलिब्रिटी काइंड ऑफ लुक। मतलब आप सेलिब्रिटीज़ को ही देख लो ना, ज़्यादातर ऐसे ही लुक कैरी करते हैं वो लोग। बहुत ही एलिगेंट लगता है, बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप भी नहीं किया है, बहुत सटल रखा है मैंने मेकअप। ये लुक आप ज़रूर ट्राई करना एंड मुझे ज़रूर टैग करना इंस्टाग्राम पे। ऑल्सो मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सारे प्रोडक्ट डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर कनेक्ट करना। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो कि नेक्स्ट आपको कौन सा लुक देखना है, तो मैं उस पर भी ट्यूटोरियल बनाऊँगी। एंड यस, अभी आने वाले टाइम पे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड हिट द बेल आइकन। ऑल्सो यू कैन शेयर दिस पेज, दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जो भी मेकअप लवर्स हैं आप उनके साथ ज़रूर शेयर करना। टिल देन बाय, लव यू, टेक केयर।